हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट बायो। तो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है पावर रेटिंग। अगर आपको पावर रेटिंग करनी है तो आपका जो बैटिंग स्टांस है वो स्टेबल होना बहुत ही ज़रूरी है, और आपकी जो आंखें हैं वो हरदम बॉल पे होनी चाहिए, आपका फोकस बिल्कुल बॉल पे होना चाहिए। और पावर के साथ साथ अगर आपको बॉल को अच्छी टाइमिंग देना भी आता है तो आप किसी भी बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर आसानी से मार सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर हिटिंग के टेक्निक्स के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिससे आपकी पावर हिटिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी पहली टिप है प्लानिंग। तो जैसे कि आपको पता है, हम कोई भी काम पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं तो वो काम हमारा सक्सेसफुल जरूर होता है। वैसे ही क्रिकेट में आपको बैटिंग करते वक्त अपना हर एक शॉट प्लानिंग के साथ खेलना है। पर अगर आप एक बैट्समैन हो तो आपको प्लानिंग करनी कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ आपको प्लानिंग करनी कैसे। सबसे पहले आपको एक ऐसा बॉलर पिक करना है जिसे आप बड़े बड़े शॉट आसानी से मार सको। अब उस बॉलर को टारगेट बना लो। जैसे ही वो बॉलिंग करने आता है आपको उस बॉलर पे हावी हो जाना है। उस अगर आप क्योंकि अगर आप सभी बॉलर पे लॉफ्टेड शॉट मारने जाओगे तो आपके आउट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ग्राउंड का एक ऐसा एरिया चूज़ करना है जहाँ पे कोई फील्डर खड़ा ना हो। तो पहले ध्यान से देखो ग्राउंड पे कहाँ फील्डर है और कहाँ खड़ा नहीं है। तो कोशिश करो अपनी बॉल वहीं पे मारो जहाँ पे प्रोटेक्शन कम है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप पावर हिटिंग करोगे तो आपके आउट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो हमारी सेकेंड टिप है मूवमेंट ऑन द क्रीज। तो महान बैट्समैन वही होते हैं जो बॉल की लेंथ को पहले ही जज कर लेते हैं। अगर बॉल गुड लेंथ पे गिरती है और आपको गुड लेंथ वाली बॉल पे सिक्स मारना है तो आप पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपका जो फ्रंट फुट है बॉल की डायरेक्शन में लेके जाओगे। बॉल की डायरेक्शन में लेके जाने के बाद आपका जो बॉडी वेट है आप फ्रंट फुट पे ट्रांसफ़र कर लोगे। अब आप जैसे देख सकते हो मुझे एक सॉलिड बेस मिल चुका है। अब मैं गुड लेंथ वाली बॉल को आसानी से सिक्स मार सकता हूँ। अब अगर बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ पे गिरती है तो मैं क्या करूँगा, मैं तुरंत ही अपने बैकफुट पे आ जाऊँगा। बैकफुट पे आने के बाद मेरा बॉडी वेट जो है मैं बैकफुट पे ट्रांसफ़र कर लूँगा। अब इसके बाद मैं हॉरिजेंटल बैटेड शॉट खेलूँगा। और एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप अपना बॉडी वेट ट्रांसफ़र करते हो आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए आपकी बॉडी पे, क्योंकि अगर आपका बॉडी वेट बैलेंस नहीं है तो आप वो पावर जनरेट नहीं कर पाओगे शॉट में, और आपको अच्छी टाइमिंग भी नहीं मिलेगी, तो जिससे वो बॉल सीधा फील्डर के हाथ में चली जाएगी और आप कैच आउट हो सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना। तो हमारी थर्ड टिप है चूज़ अ राइट बैट। तो एक बैट्समैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है उसका क्रिकेट बैट। तो जब भी आप अपने बैट को खरीदने जाओ तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना। तो सबसे पहला है साइज़। क्रिकेट बैट डिफरेंट रेंज ऑफ साइज़ में आती है, पर आपके बैट का साइज़ आपके हाइट से ज़रूर मैच होना चाहिए। तो जैसे कि आप इस चार्ट को देख सकते हो, इस चार्ट में सब कुछ दिया हुआ है कौन सा बैट आपके लिए बेस्ट रहेगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको ध्यान से देख सकते हो। तो बैट खरीदते वक्त दूसरी चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है वो है बैट वेट। बैट वेट भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपके गेम पे। हैवी बैट से खेलने का फ़ायदा ये होता है कि हैवी बैट पे बॉल लगते ही बॉल काफ़ी दूर तक जाती है, और अगर हैवी बैट पे एज भी लगा तो सिक्स जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पर हैवी बैट से खेलने के लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए कुछ बैट्समैन हल्के बैट से खेलना पसंद करते हैं। पर आपको अपना बैट आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि वो अगर हैवी बैट से खेल रहा है तो मैं भी हैवी बैट से खेलता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपना बैट चूज़ करना है। तो हमारी फोर्थ टिप है बैट स्पीड। अगर आपको भी रसल की तरह एक खतरनाक पावर हिटर बनना है तो आपको अपनी बैट स्पीड को इंक्रीज़ करना होगा, क्योंकि जितनी तेज़ी से बॉल बैट से लगेगी उतनी ज़्यादा दूर बॉल जाएगी। अब अगर आपको अपनी बैट स्पीड को इंक्रीज़ करना है तो आपको हाई बैकलिफ्ट के साथ खेलना चाहिए। अब हाई बैकलिफ्ट के साथ क्यों खेलना चाहिए, हाई बैकलिफ्ट के साथ इसलिए खेलना चाहिए क्योंकि जितने ऊपर से बैट आएगा उतनी ज़्यादा बैट में फोर्स जनरेट होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हाई बैकलिफ्ट के साथ खेलो, आपकी बैट स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। और आपको ध्यान देना है आपके स्ट्रेंथ पे भी, आपको अपने बॉडी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप हैवी बैट से आसानी से खेल सको। और अगर आपको अपनी बैट स्पीड को इंक्रीज़ करना है तो मैंने यहाँ आई बटन पे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो को जाके ज़रूर देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ मज़ेदार ड्रिल्स बताई है इस वीडियो में जिससे आपकी बैट स्पीड ज़रूर इंप्रूव होगी। तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना। तो हमारी फिफ्थ टिप है वॉच द बॉल। जितने ध्यान से आप इस बॉल को देखोगे उतना अच्छा है उस पर रिएक्ट करोगे। तो जैसे ही बॉलर अपना रनअप लेना स्टार्ट करता है आपका फोकस बॉल पर होना चाहिए, और फोकस होगा कहाँ पे, बॉलर्स के हाथों पे। जब तक वो बॉल डिलीवर ना करे आपका फोकस बॉल पे होना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने बॉल को अच्छे से जज कर ली फिर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा उस बॉल पे लॉफ्टेड शॉट मारना। और अगर आपको अपना फोकस इंप्रूव करना है तो मैंने आई बटन पे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ मज़ेदार ड्रिल्स बताई है जिससे आपका फोकस पहले से ज़्यादा इंप्रूव होगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक बार ज़रूर देखना इसको।
तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, वहाँ पे मैं रिवर्ट करके आपकी हेल्प करूँगा। और मुझे कमेंट करके ये भी बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, ये हमारा यूज़र नेम cricketbio1, और हमें यहाँ से सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।